हरी स्पाइस द करी, अर्थात जल्दबाजी करने से सारे काम खराब हो जाते हैं। हेस्ट मेक्स वेस्ट, अर्थात जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, सब काम उसी से ही खराब होते हैं। देखें आज के 9 शब्द, और पहला ही शब्द कितना जानदार है। देखें अंगड़ाई, कौन ऐसा है जो अंगड़ाई नहीं लेता? सो के उठने के बाद, सवेरे सवेरे या जब भी सो के उठो, तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या बच्चा हो, सभी अंगड़ाई लेते हैं। शब्द ही इतना अच्छा है, आखिर इसकी अंग्रेजी क्या होगी? स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, दो अंग्रेजी हैं इसकी। स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग द बॉडी, ऐसे भी कह सकते हैं। ये द बॉडी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लिम्स इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ट्विस्टिंग द लिम्स, लिम्स माने हाथ पैर, मोड़ना, स्ट्रेच, सीधे करना। द बॉडी ट्विस्टिंग द लिम्स। बुखार में अंगड़ाई आती है, सेंटेंस देखें। द बॉडी ट्विस्ट इन फीवर, बुखार में अंगड़ाई आती है। लड़की ने अंगड़ाई ली, लड़के ने अंगड़ाई ली, बच्चे ने अंगड़ाई ली। द गर्ल की जगह बॉय कर सकते हैं, उसके बाद चाइल्ड कर सकते हैं। माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, कितने भी बना लो। द गर्ल ट्विस्टेड हर बॉडी, लड़की ने अंगड़ाई ली, या लड़की अंगड़ाई लेती है, ट्विस्ट आ जाएगा यहां, अर्थात ट्विस्ट के बाद ऐसा आ जाएगा, ईडी हट जाएगा। द गर्ल ट्विस्ट हर बॉडी या स्ट्रेचेज हर बॉडी, लड़की अंगड़ाई लेती है, कोई भी अंगड़ाई ले सकता है। अब देखें व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग या अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मैं सवेरे सवेरे उठता हूं, बिस्तर छोड़ता हूं, गेट अप, बिस्तर छोड़ना यानी उठना। When I get up early in the morning या in the morning, I stretch my body or twist my limbs, इस तरीके से, यानी मैं अंगड़ाई लेता हूं। I stretch my body या I twist my body, जब मैं सो के उठता हूं तो मैं अंगड़ाई लेता हूं। आ पड़ा, कोई चीज आके पड़े आप पर, तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? मैंने इंपॉर्टेंट सेंटेंस ले लिया, आप तो कुछ भी बना सकते हैं। फेल, एफ ई डबल एल, फॉल की सेकंड फॉर्म है, थर्ड होती है फॉलन। फेल, आ पड़ा, ए बर्निंग कोल, बर्निंग कोल, कोल माने कोयला, बर्निंग माने जलता हुआ, अर्थात अंगारा। बर्निंग कोल, ए बर्निंग कोल फेल ऑन माई ड्रेस सडनली, सडनली माने होता है अचानक, अचानक एक अंगारा, बर्निंग कोल, जलता हुआ कोयला या अंगारा, अंग्रेजी एक ही बनेगी। फेल ऑन माई ड्रेस, मेरे ड्रेस पर, मेरे कपड़ों पर आग गिरा, आग पड़ा, तो मैंने अंगारा भी लिख दिया उधर, बर्निंग कोल की हिंदी, और कोयला तो है ही जलता हुआ। खाया पिया अंग नहीं लगता, आपने आजकल बहुत ज्यादा देखा होगा माओ को ये बात कहते हुए कि मेरे लड़के के या मेरे बच्चे के खाया पिया अंग ही नहीं लगता, भतेरा दूध देती हूँ, भतेरा खिलाती हूँ, लेकिन ये पतला का पतला ही रहता है, क्यों? देखें इसकी अंग्रेजी क्या होगी। खाया पिया अंग नहीं लगता, फूड इज नॉट एसिमिलेटेड, एसिमिलेटेड, स्वांगीकृत, इसको हिंदी में कहेंगे, शुद्ध हिंदी में, लेकिन खाया पिया अंग नहीं लगता, फूड इज नॉट एसिमिलेटेड, या अगर पचने को कहेंगे तो इस तरीके से कहेंगे, नॉट डाइजेस्टेड, डाइजेस्ट माने पचना, इनडाइजेशन माने अपच, डाइजेस्ट माने पचना या पचाना। फूड इज नॉट डाइजेस्टेड, अर्थात खाना पचता नहीं है, एसिमिलेटेड, अर्थात अंग को नहीं लगता, शरीर को नहीं लगता।
अंगीठी की अंग्रेजी देखें, फायरप्लेस अंगीठी की अंग्रेजी, ब्रेजियर भी होती है, ब्रेजियर जब मैंने लिखी है, दो अंग्रेजी हैं इसकी। शी पुट द पॉट ऑन द ब्रेजियर, कौन सा ऐसा घर है जहां अंगीठी नहीं होती, और जाड़ों में तो विशेष रूप से, और पहले तो अंगीठी का ही उपयोग किया जाता था। शी पुट द पॉट, उसने बर्तन को ब्रेजियर यानी अंगीठी पर रख दिया, फायर प्लेस पर रख दिया। फायर प्लेस की हिंदी है अंगीठी। अब देखें अंगारों पर लोटना, अंगारों पर लोटना, इसको देखें जरा ध्यान से। वह अंगारों पर लोटती रही, वह रात भर अंगारों पर लोटती रही, मैं रात भर अंगारों पर लोटता रहा, अर्थ क्या होता है कि मैं चिंता से बेचैन रहा। बेचैन की अंग्रेजी होती है रेस्ट लेस, विश्राम रहित, रेस्ट माने विश्राम, लेस माने रहित। टू बी रेस्टलेस, अंगारों पर लोटना, बेचैन होना, काय के कारण, चिंता के कारण। थ्रू एंजाइटी, थ्रू एंजाइटी माने चिंता के कारण। शी वाज रेस्टलेस, माई मदर वाज रेस्टलेस, मेरी जो माँ थी रात भर चिंता के मारे बेचैन रही। माई मदर वाज रेस्टलेस थ्रू एंजाइटी ऑल द नाइट, ऑल द नाइट माने सारी रात। शी वाज रेस्टलेस, माई मदर वाज रेस्टलेस, माई फादर वाज रेस्टलेस, माई ब्रदर वाज रेस्टलेस, कुछ भी जो भी बेचैनी महसूस करे या अंगारों पर लोटे यानी बहुत बेचैन हो जाए तो उसके लिए रेस्टलेस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंगूठा दिखाना, ठेंगा ले ले, अब कहते हैं हम ठेंगा ले ले, इसका क्या अर्थ होता है? अंगूठा दिखाना यानी साफ साफ किसी बात को मना कर देना, साफ साफ मना कर देना, मेरे पास पैसे नहीं है भैया, इस समय मेरे पास पैसे नहीं है। बोले मेरी लड़की की शादी है, ये है वो है, बोले इस बात में अंगूठा दिखा देना यानी मना कर देना साफ साफ। देखें अंगूठा दिखाना, टू रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक, इसकी ये है अंगूठा दिखाने की अंग्रेजी। टू रिफ्यूज माने मना कर देना, पॉइंट ब्लैंक माने साफ साफ। शी रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक व्हेन आई आस्क्ड टू मैरी हर, जब मैंने उससे कहा कि मुझसे शादी कर लो, उस लड़की से कहा शादी करने को, उसने क्या करा, अंगूठा दिखा दिया, अर्थात साफ साफ मना कर दिया। She refused point blank when I asked to marry her, या I asked her to marry, इस तरीके से भी हो सकता है। अब देखें इस शब्द की अंग्रेजी क्या है, इस शब्द की अंग्रेजी क्या होगी, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं लेकिन हिंदी में लिखते हैं। देखें जब भी आपको पूछना है मुझसे कि इस शब्द की अंग्रेजी या सेंटेंस की या वाक्य की अंग्रेजी क्या होगी, तो इस तरीके से पूछ ले, कितना आसान है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा यहां पर। तो व्हाट इज द इंग्लिश फॉर दिस वर्ल्ड, यहां पर आएगा इंग्लिश, पूरा लिख नहीं पा रहा हूं मैं यहां पर इंग्लिश। व्हाट इज द इंग्लिश फॉर दिस वर्ल्ड, इस शब्द की अंग्रेजी क्या है या क्या होगी, इसकी अंग्रेजी यही बनेगी। व्हाट इज द इंग्लिश फॉर दिस सेंटेंस, इस वाक्य की अंग्रेजी क्या होगी या क्या बनेगी, इस तरीके से अंग्रेजी में आप किसी से भी पूछ सकते हैं मुझसे क्या, जब आप पूछे अंग्रेजी में पूछे, कितनी सरल अंग्रेजी है। अंट शंट, अंट शंट की अंग्रेजी होती है नॉनसेंस, एब्सर्ड, एब्सर्ड दूसरी है, नॉनसेंस। He goes on talking nonsense. यहां पर on on आएगा। He goes on talking nonsense. बकता रहता है, बकवास करता रहता है, nonsense माने बकवास, nonsense बकवास। He goes on talking nonsense. बकता रहता है, जाने क्या बकता रहता है, तो नॉनसेंस वो बात है जो समझ में नहीं आती, जाने क्या अनशन बड़बड़ाता रहता है, समझ में तो आती नहीं। ही वेंट ऑन, बड़बड़ाता रहा, बकता रहा, ही वेंट ऑन, बकता चला गया।
ही वेंट ऑन टॉकिंग नॉनसेंस, वो बकता चला गया, वो बकता रहा, अगर ये की बनेगी, ही वेंट ऑन टॉकिंग नॉनसेंस, बकता चला गया, बकवास बकता चला गया, अंत संत बकता चला गया। अंजर पंजर की अंग्रेजी होती है रिब्स एंड बोन्स, वैसे स्केलेटन भी इसकी अंग्रेजी होती है, रिब्स एंड बोन्स, हड्डी पसली, पसली की अंग्रेजी रिब्स है, बोन्स की रिब्स की हिंदी है पसली, और बोन्स की हिंदी है हड्डी, हड्डी पसली। अंजर पंजर, आई विल डिसजॉइंट योर बोन्स, मैं तुम्हारी हड्डी हड्डी अलग कर दूंगा, तो डिसजॉइंट अलग करने को कहते हैं, रिब्स एंड बोन्स। आज मेरे अंजर पंजर ढीले पड़ रहे हैं, अंजर पंजर ढीले पड़ रहे, कभी कभी बहुत थकान हो जाती है, आदमी हिल नहीं पाता, भैया मुझसे ना उठा जा रहा है, आज मेरे अंजर पंजर बिल्कुल ढीले पड़े हैं। देखें इसकी अंग्रेजी क्या होगी, द एंटायर बॉडी ऑफ माइन इज आउट ऑफ जॉइंट्स, आउट ऑफ जॉइंट्स, इसमें रिब्स एंड बोन्स मैंने अंग्रेजी नहीं लगाई, आउट ऑफ जॉइंट्स कहने से ही काम चल जाएगा, मेरे अंजर पंजर सब ढीले पड़ रहे हैं। आज टुडे, टुडे लगा दीजिए, आई विल ब्रेक योर रिब्स एंड बोन्स टुडे, आज मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, आई विल ब्रेक हिज उसकी रिब्स एंड बोन्स टुडे, अगर तुम्हें कहना है कि तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा तो यहां पर हिज की जगह योर लगा दें, आई विल ब्रेक योर रिब्स एंड बोन्स टुडे, आज मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गॉड ब्लेस यू।